हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकाज गार्डन लॉग। फ्रेंड्स, आज की अपने इस वीडियो में मैं आपके सामने 50 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे यूनिक फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगी, जिन्हें यदि आप अपने घर में अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो आपके घर में और गार्डन में ये प्लांट्स एक वाव फैक्टर को ऐड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हमारा सबसे पहला प्लांट है चेरी ब्लॉसम, जिसे जापान में सकुरा कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो वाइट, येलो और पिंक की बहुत सारी शेड्स में आता है। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है जो 16 से 20 सालों तक चल जाता है, और इसके लिए आइडल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है कोलम्बाइन, और ये बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर का प्लांट होता है। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है, इसके लिए फुल से लेकर पार्शियल सेल की लोकेशन बेस्ट होती है। इसकी एज 4 से 5 साल होती है और आइडियल टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। प्लस नेक्स्ट प्लांट का नाम है मैग्नोलिया, और ये वाइट, क्रीम, पिंक, लेवेंडर शेड्स में आता है। ये परमानेंट प्लांट होता है, जिसकी एज 80 से लेके 120 साल तक हो सकती है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 9 से लेके 12 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट होता है, आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है हाइड्रेंजिया, ये रेड, पर्पल, येलो, लेमन और पीच कलर्स में आता है। सीड द्वारा ये ग्रो होता है और एनुअल प्लांट होता है। कूल क्लाइमेट का ये प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत से इसके फ्लावर्स होते हैं। हाइब्रिड वैरायटी भी इसके आते हैं और बहुत ही प्यारे ये प्लांट होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्लांट है आयरिस, ये एनुअल से लेके पेरेनियल वैरायटी के प्लांट्स आते हैं। स्प्रिंग सीजन में इसमें ब्लूमिंग होती है, इसे सीड और बल्ब द्वारा ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसे सीड द्वारा ग्रो करने के लिए कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, और 22 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये सहन कर लेता है। 6 से 8 इंच के पॉट में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है ऑर्किड्स, ये वाइट, पर्पल, पिंक, ब्लू और ऑरेंज कलर की अनेकों शेड्स में आता है। कूल क्लाइमेट का ये प्लांट बहुत ही प्यारे से इसके फ्लावर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है लिली ऑफ वैली, और फ्रेंड्स इसमें सीड पॉड्स होते हैं जिसमें लाल रंग के शेड होते हैं, जिससे ये प्लांट ग्रो किया जाता है। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है जो मोस्ट लविंग प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स अफ्रीकन लिली, फ्रेंड्स ये वाइट, लेवेंडर और वॉयलेट कलर की अलग अलग शेड्स में आता है। काफ़ी खूबसूरत से इसमें फ्लावरिंग होती है। इसकी जो एज होती है वो 75 ईयर्स तक हो सकती है। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है एजेलिया, जिसमें रेड, पिंक, व्हाइट और लेवेंडर कलर के फ्लावर्स आते हैं। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। दुनिया का सबसे पुराना एजेलिया का प्लांट 262 साल पुराना है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है विस्टेलिया, जिसमें लेवेंडर कलर के गुच्छों में लटकते हुए फूल आते हैं। कूल क्लाइमेट का ये प्लांट है और इसमें फूल आने में लगभग 20 साल का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है लिलैक, फ्रेंड्स ये भी कूल टेम्परेचर का प्लांट है, जिसमें मोव, पर्पल और लेवेंडर कलर की शेड्स के फ्लावर्स आते हैं। इसमें फूल आने में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्लांट है लार्क्सपुर, जिसमें ब्लू, पर्पल, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है सेल्सियस में, और एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये काफ़ी खूबसूरत है, इसमें फ्लावर्स आते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा प्लांट है हिमालयन पॉपी, इसमें ब्लू पॉपी काफ़ी फेमस है, लेकिन इसमें ब्लू, येलो और वाइट कलर के भी हिमालयन पॉपी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत से फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है, जहाँ दिन में कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए और रात में फ्रीजिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुँच जाना चाहिए। ऐसे एरिया में, हिमालय वाले एरिया में ये प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके लिए जो लोकेशन है वो फुल सन से लेके पार्शियल सन की लोकेशन मानी जाती है आइडियल। हमारे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्लांट है वो है कैमेलिया, इसमें पिंक, पीच और वाइट और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। ये भी एक कूल टेम्परेचर का आउटडोर पेरेनियल प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है पियोनी, फ्रेंड्स ये एनुअल से लेके पेरेनियल की भी इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं, और इसकी एज 100 साल तक भी हो जाती है, जो पेरेनियल वेराइटीज़ होती हैं पियोनी की। और फ्रेंड्स इसे सीड द्वारा भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर फ्लावर, जो कि एनुअल और पेरेनियल वेराइटीज़ में भी आता है। 8 से 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आइडियल माना जाता है इसके लिए, और इसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कम से कम 90 से 100% की इसे ह्यूमिडिटी चाहिए होती है अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट प्लांट है कार्नेशन, जिसके लिए आइडियल टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है। कूल टेम्परेचर का ये प्लांट होता है, जिसे भी 80 से 90% की ह्यूमिडिटी अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। इसमें रेड, पिंक, येलो, वाइट और भी बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है फुशिया,
जिसमें पर्पल, पिंक, मेजेंटा और रेड और वाइट कलर के भी फ्लावर्स आते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट होता है जो 30 साल तक भी रह लेता है और आइडियल टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जिरेनियम, जो एक ठंडे एरिया का प्लांट होता है। ये भी एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट लिव पेरेनियल वेराइटी भी इसकी कई बार आती हैं, यानी कि 1-2 साल तक अगर इसकी अच्छे से केयर करें तो ये रह जाता है। इसमें जो कलर्स आते हैं वो रेड, पिंक, वाइट कलर्स आते हैं ज़्यादातर, और इसके हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आते हैं जिसमें डबल कलर्स भी आजकल आने लगे हैं। नेक्स्ट प्लांट है वर्बीना, ये भी सर्दियों में ग्रो होने वाला, सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसमें वाइट, पिंक, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। पर्पल लेवेंडर कलर भी इसमें आते हैं और सीड द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है लेवेंडर, फ्रेंड्स ये अक्टूबर के शुरू में इसे सीड द्वारा ग्रो किया जाता है। आइडियल टेम्परेचर इसके लिए 6-7 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए दिन में, और रात में 4-5 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए इसकी जर्मिनेशन के लिए। जब इसे सीड के द्वारा हम ग्रो करते हैं, लगभग 14 दिनों में इसकी सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। और ये एक पेरेनियल हार्वेसियस प्लांट है, यानी कि हर साल ये डाईबैक हो जाता है इसकी फ्लावरिंग के बाद, और नेक्स्ट सीजन में ये फिर से इसके छोटी छोटी स्टेम फूटने लगते हैं, फिर से ये प्लांट ग्रो हो जाता है अपनी पुरानी जड़ में से। हमारा नेक्स्ट प्लांट है गॉड्स बियर्ड, जिसमें वाइट, पिंक, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। सीड द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। आइडियल टेम्परेचर 5-7 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये फ्रेंड्स पेरेनियल वैराइटीज़ में भी आता है और इसे मॉइस्ट सोइल पसंद होती है, इसीलिए नदियों के आसपास या मॉइस्ट जंगलों में ज़्यादा अच्छे से उगता है, जहाँ थोड़े छायादार जंगल होते हैं वहाँ पे। कॉर्न फ्लावर हमारा नेक्स्ट प्लांट है, जिसमें पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। 4-6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। ये भी एक पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट है, जो डाईबैक हो जाता है और फिर से नेक्स्ट सीजन में ग्रो हो जाता है। इस तरीके से ये जो पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट होते हैं, ये 2-3 साल तक इस तरीके से चलते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है बेगोनिया। इंडिया में फ्रेंड्स इसमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है, और सर्दियों में ही ये प्लांट ज़्यादातर इंडिया में आता है। और ये एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो रेड, पिंक, वाइट, येलो, ऑरेंज और एप्रिकॉट शेड्स में आता है। नेक्स्ट प्लांट है ब्लैक आइड शोशन, ये सीड द्वारा ग्रो होता है और 15-20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है इसके लिए आइडियल माना जाता है। इसकी कई वैरायटी बाइनियल होती हैं, यानी कि 6 महीने में एक बार, और कुछ वैरायटी इसकी सालाना होती हैं, यानी कि एनुअल वैरायटी। और इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत से येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, जिनमें बीच में ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े से। नेक्स्ट प्लांट है डहलिया फ्रेंड्स, ये भी एक सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, जिसे सीड द्वारा, ट्यूबर द्वारा या टिप कटिंग द्वारा ग्रो किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत से पिंक, वाइट, रेड, येलो और हज़ारों कलर के, हज़ारों वेराइटीज़ के इसमें फ्लावर आते हैं। काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा पेटल्स वाला इसका फ्लावर्स होता है, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है कैटनिप, और फ्रेंड्स इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 5-8 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है। ये भी एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें ज़्यादातर वाइट और वायलेट कलर्स आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है डेजी, जिसमें वाइट, लेवेंडर और भी हज़ारों कलर्स और हज़ारों वेराइटीज़ आते हैं। कूल क्लाइमेट का ये प्लांट होता है, जिसे सीड या बल्ब द्वारा ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स कोरियोप्सिस, जो रेड, पिंक, वाइट, येलो कलर में आता है। आइडियल टेम्परेचर 6-8 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक एनुअल प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है एस्टेबल, जिसके लिए आइडियल टेम्परेचर 5-8 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये भी एक कूल क्लाइमेट का प्लांट होता है, और इसकी कुछ पेरेनियल वेराइटीज़ 18-25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेती हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं वो फर्न जैसे होते हैं, जो इसकी पेरेनियल वेराइटी होती हैं उसके। और फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है गैलार्डिया, ये कूल क्लाइमेट का एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसकी एक और वेराइटी होती है जिसे ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। वो पेरेनियल वेराइटी होती है इसकी, और वो कई सालों तक भी रह लेती है। इसे आप ग्राउंड में या पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स लिली, ये अनेकों रंगों में, अनेकों वेराइटीज़ में आता है। इसे सीड द्वारा या बल्ब द्वारा या फिर इसमें बल्बिल्स आती हैं छोटी छोटी, उसके द्वारा इसे ग्रो किया जाता है, और सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट प्लांट है पॉपी, जो वाइट, पर्पल, पिंक, रेड और पीच कलर्स में आता है। टेम्परेचर जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है, और इसे ग्रो करने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 18-20 डिग्री सेल्सियस का होता है, जब इसे सीड द्वारा हम ग्रो करते हैं। ये एनुअल से लेके शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल प्लांट की वैरायटीज़ में आता है। नेक्स्ट प्लांट है रोज ऑफ शैरन, जो कि हिबिस्कस की एक वैरायटी होती है, और इसमें हज़ारों कलर्स और वैरायटी आती हैं। बहुत ही खूबसूरत से इसमें हिबिस्कस के जैसे फ्लावर्स खिलते हैं। हमारे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट प्लांट है वो है साल्विया,
और ये कूल क्लाइमेट का एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है। सीड द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। इसमें ब्लू, पिंक, रेड, पर्पल, वाइट, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्लांट है फॉक्स ग्लव्स, जिसके लिए आइडल टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। सीड के द्वारा इसे ग्रो किया जाता है और ये भी एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट प्लांट है जर्बेरा, ये भी कूल क्लाइमेट का प्लांट होता है और जिसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं। सीड द्वारा इसे ग्रो किया जाता है और सर्दियों में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स एंजीलोन, ये ब्लू, पर्पल, रेड, वाइट, पिंक कलर्स में आता है। आइडियल टेम्परेचर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है और ये भी एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है। काफ़ी खूबसूरत सी इसमें फ्लावरिंग होती है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स कॉस्मस, ये पर्पल, पिंक, मजेंटा, ऑरेंज आदि कलरों में आता है और एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होती है, जिसे सीड द्वारा ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स सल्फर कॉस्मस, ये भी कॉस्मस की ही एक वैरायटी होती है, जिसमें ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये भी एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है स्टारगेजर लिली, जिसके लिए आइडियल टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। ये बहुत सारे कलर्स और वैरायटीज में आता है। इसे ट्यूब और सीड्स द्वारा ग्रो किया जाता है। ठंडे क्लाइमेट का ये प्लांट होता है। सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट प्लांट है ट्यूलिप। फ्रेंड्स ट्यूलिप पिंक, पीच, रेड, वाइट और बहुत सारे कलर्स में आता है। ये भी एक पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट होता है, जो 2 से 3 साल तक चल जाता है। और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में ट्यूलिप के बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे बागान हैं जहाँ पर इसकी खेती इंडिया में होती है। नेक्स्ट प्लांट है डायंथस, जिसमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। ये एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसमें वाइट कलर आता है और ज़्यादातर पिंक, इसमें बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइंस आते हैं। तो ये भी एक सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है क्रिसेंथेमम, यानी कि गुलदावरी। इसमें हज़ारों कलर्स और वैरायटीज़ आती हैं। फूलों की साइज़ भी अलग अलग होती है, कलर्स भी अलग अलग होते हैं। ये एनुअल वैरायटी में भी आता है और कुछ वैरायटीज़ की शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल वैरायटी भी होती है, जो 1 से 2 साल तक भी चल जाती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्वीट एलाइजम, यानी कि येलो प्लांट। ये पर्पल, वाइट और पिंक कलर की बहुत सारी शेड्स में आता है। येलो कलर भी इसमें आता है। ये भी सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। इसके लिए आइडल टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसे 90% तक भी ह्यूमिडिटी पसंद होती है अपनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। सर्दियों में ये फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट प्लांट है जिनिया, जो बहुत सारे कलर्स और वैरायटीज़ में आता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सर्दियों में इनमें फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्लांट है एमेरल्ड, ये कई सारे कलर्स में आता है। एनुअल से लेके शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल वैरायटीज़ भी इसकी आती है। इसके कुछ वैरायटीज़ गर्मियों में भी अच्छे से चल जाती हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है कॉक्सकॉम, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 9 से 12 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। सीड के द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। काफ़ी खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है ग्लैडियोलस, और फ्रेंड्स इसे जो टेम्परेचर होता है, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर वो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसमें वाइट, येलो, पिंक, लेवेंडर, रोज, बरगंडी और पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसे फुलचंद पसंद होता है अपनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है गजेनिया, ये अनेकों रंगों और अनेकों वेराइटीज़ में आता है। सीड द्वारा इसे ग्रो किया जाता है। कई बार इसे रूट डिवीज़न द्वारा भी ग्रो किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज़ आते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आते हैं, जिसमें डबल कलर्स भी आते हैं। काफ़ी खूबसूरत से इसके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है कैलेंडुला, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास का माना जाता है और सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। इसमें येलो, ऑरेंज और कई सारे कलर्स के इसके फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड्स सितंबर अक्टूबर में इसे सीड के द्वारा ग्रो किया जाता है। तो फ्रेंड्स इन यूनिक फ्लावरिंग प्लांट्स में से ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट कूल क्लाइमेट वाले हैं। जो लोग कूल क्लाइमेट में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो इन्हें किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे लोग सर्दियों में इन्हें ग्रो करके इनकी फ्लावरिंग का आनंद ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस और गार्डनिंग के अपने एक्सपीरियंसेस आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगी। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।